For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. Hello guys, this is Jyoti Nahak and welcome to Movies Adda. Big Boss के घर में contestants को काफी कुछ चीजों से गुजरना पड़ रहा है, काफी कुछ सहना पड़ रहा है, बर्दाश्त करना पड़ रहा है और इन सब चीजों की कीमत क्या है? कीमत की बात हो गई है, चलिए बताती हूँ आपको कि क्या-क्या किस-किस को कितने पैसे मिल रहे हैं बिग बॉस के घर के इस ट्रॉमा को झेलने के लिए। सबसे पहले शुरुआत करूंगी, हाईएस्ट पेड कंटेस्टेंट है इस सीजन की, जी हाँ, रश्मि देसाई। रश्मि देसाई एक बहुत बड़ा नाम है टेलीविजन की दुनिया का कहीं ना कहीं, और रश्मि ने इस सीजन के लिए 2.50 crores चार्ज किए हैं। दैट इज अ बम्पर अमाउंट एंड द हाईएस्ट पेड एज वेल। उसके बाद अगर बात की जाए सिद्धार्थ शुक्ला की, तो सेकेंड नंबर पर आते हैं सिद्धार्थ शुक्ला, जो की इस सीजन के लिए, जी हाँ, इस सीजन के लिए चार्ज कर रहे हैं 2.10 crores, क्योंकि ऑब्वियसली सिद्धार्थ शुक्ला भी फिल्म जगत का और बॉलीवुड का साथ ही साथ टेलीविजन का एक बहुत जाना माना नाम है। तो ऐसे में सिद्धार्थ जो है वो चार्ज कर रहे हैं 2.10 crores। उसके बाद बात करते हैं थर्ड नंबर पर, जो है थोड़ा सा शॉकिंग है हालांकि थर्ड नंबर पे, बट यही है, और वो नाम है द बसला गर्ल, यानी कि माहिरा शर्मा का। अब माहिरा इस सीजन के लिए चार्ज करी है 90 to 95 lakhs, क्योंकि माहिरा कहना कि कलर्स का फेस भी रह चुकी है, वो उन्होंने पहले भी कलर्स के लिए शो किया है, नागिन में वो रह चुकी है, काफी म्यूजिक एल्बम्स किया, तो शी वॉज अ नोन फेस, जिसकी वजह से 90 to 95 crores का वो प्राइस ले रही हैं इस सीजन के लिए। उसके बाद मैं बात करना चाहूंगी, उसके बाद आता है नंबर पारस छाबड़ा का, यानी कि आबरा का डाबरा पारस छाबड़ा, जो कि इस सीजन के लिए चार्ज कर रहे हैं 70 lakh rupees, जी हाँ। उसके बाद नाम आता है विशाल और आरती, दोनों इक्वल है क्योंकि दोनों को 60 to 65 lakhs, आरती को भी 60 to 65 lakhs के बीच में अमाउंट वो चार्ज कर रही है इस सीजन के लिए। उसके बाद नाम आता है गाइस शहनाज गिल का, जिसको जानने के लिए काफी लोग ज्यादा एक्साइटेड होंगे आई मस्ट से, बट शहनाज जिस लेवल का कंटेंट देती हैं और जिस लेवल की पॉपुलैरिटी शहनाज की हो चुकी है बिग बॉस सीजन के बाद से, उस हिसाब से उनका अमाउंट मुझे बहुत कम लग रहा है, बिकॉज 56 lakh rupees शहनाज गिल के कॉन्ट्रैक्ट में है बिग बॉस सीजन 13 के लिए, और वो सिर्फ 56 lakh rupees ले रही है, हालांकि कंटेंट वो 3-4 crore का दे रही है। आई थिंक रश्मि देसाई जितना चार्ज कर रही है उतना वो कंटेंट नहीं दे पा रही, लेकिन शहनाज गिल का कंटेंट की सबसे प्राइस बहुत ज्यादा कम है। और उसके बाद सबसे शॉकिंग रिवेलेशन है आसिम रियाज का, जो कि बहुत लोग जानना चाह रहे होंगे, तो बता देती हूँ, सबसे कम अमाउंट इस सीजन जो अभी के 8 contestants है उसमें से सबसे कम अमाउंट अगर किसी को मिल रहा है तो वो है आसिम रियाज, जो की सिर्फ और सिर्फ 35 lakh, यानी कि 35 lakhs। वेल, बाकी किसी का तो नहीं पता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगी कि शहनाज और आसिम के लिए मुझे बुरा लग रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं कंटेंट देने वाले लोगों में से ये है, इंक्लूडिंग सिद्धार्थ शुक्ला, और सबसे कम पैसे कहीं ना कहीं इन्हें ही मिल रहे हैं। सो अब इस पर आपका क्या कहना है, ये आप लोग मुझे बताइए कॉमेंट सेक्शन में। दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ।